আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ, হাইয়া আলা সালাহ, হাইয়া আলা সালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهم النار وبئس المصير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين پچھلے ایک سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ قوم کی جس کو اللہ نے ایک وقت میں چوزن ونز قرار دیا تھا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اللہ نے جن کو چوزن ونز قرار دیا تھا ایک وقت میں، لیکن ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مغضوب علیہم دی کرسٹ ونز بھی قرار دے دیا بعد ازاں، کہ وباؤ بغضب من اللہ،
कि बनी इसराइल अब तुम लोग कर्स्ड वंस हो। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को चोज़न वंस करार दे दिया कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिलमारूफ व तनहौन अनिल मुनकर, के ए उम्मत मुहम्मद अब तुम लोग चोज़न वंस हो, तुम बाकियों से बेहतर हो। पिछले एक साल से हम ये देख रहे हैं कि कर्स्ड वंस चोज़न वंस के ऊपर टूट पड़े हैं, और वो चोज़न वंस, वो मुसलमान जिनसे अल्लाह का वादा है कि बनी इसराइल तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकेंगे, वो शिकस्त पे शिकस्त खाए जा रहे हैं। और बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि जो अल्लाह ताला ने वादे किए हुए हैं उससे ये सारा सिनेरियो मिसमैच नज़र आ रहा है। ऐसे वक्त में वो लोग जो अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं रखते, अल्लाह का और उसकी आयात का कुफर करते हैं, या वो लोग जो दिलों में मुनाफ़कत पाले हुए हैं, उनके ईमान को मज़ीद ठेस पहुंच रही है, उनके कुफर को मज़ीद तकवीयत मिल रही है। ऐसे सिचुएशन में सवाल ये पैदा होता है कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। जो कर्स्ड वंस हैं वो गालिब आते जा रहे हैं और चोज़न वंस मगलूब हो रहे हैं, तो वो जो अल्लाह का वादा है कि चोज़न वंस वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनु वअमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, के अल्लाह का वादा है कि अल्लाह ताला चोज़न वंस को दुनिया के ऊपर गालिब करेगा, दुनिया की हुकूमत अता करेगा, ज़मीन में अपना खलीफा बनाएगा, अपना नायब बनाएगा। और कर्स्ड वंस का दावा है, यानी बनी इसराइल वालों का, कि उनसे ये वादा किया गया था कि अल्लाह तुम्हें दुनिया में हुकूमत अता करेगा, लेकिन चोज़न वंस यानी मुसलमान ये जानते हैं कि वो वादा ख़त्म हो गया जब उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की कोशिश की। तब तक उनके पास कुछ ना कुछ चांस बाकी था, लेकिन जब उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की नऊज़ु बिल्लाह कोशिश की तो वो वादा ख़त्म हो गया, और वो वादा बनी इसराइल के पास ट्रांसफ़र होकर आ गया कि अब बनी इस्माइल को अल्लाह ताला दुनिया में हुकूमत अता करेगा। लेकिन अभी जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें लग ऐसे रहा है कि बनी इसराइल यानी कर्स्ड वंस गालिब आते जा रहे हैं, और वो एक बड़ी स्टेट बनाने में, एक स्ट्रॉन्ग स्टेट बनाने में कामयाब हो चुके हैं, और एक बड़ी स्टेट बनाने में कामयाब हो जाएंगे। ऐसे में वो पिक्चर क्या बनती है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, और वो जो अल्लाह ताला का वादा है वो कैसे पूरा होगा, जबकि वो काउंटडाउन भी बिल्कुल आखिरी नंबर्स पे है जिसका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को तो हमें पता है कि अल्लाह ताला ने लगभग 1000 साल की मोहलत दी थी, उसके बाद उनको तबाह कर दिया। लेकिन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह मेरी उम्मत को मज़ीद आधे दिन की मोहलत तो दे ही देगा, यानी कि इस उम्मत की उम्र, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत की उम्र 1000 साल, तो इस उम्मत की उम्र कितनी होनी, 1500 साल से फिर तजावज़ नहीं कर सकती। अल्लाह ताला की सुन्नत ही नहीं रही कि किसी को, किसी उम्मत को, किसी कौम को इतनी ज़्यादा मोहलत दे। लिहाजा
अब वो काउंट डाउन भी करीब आ चुका है। अब होना तो ये चाहिए था कि मुसलमान गालिब आते, लेकिन मुसलमान मगलूब होते जा रहे। ऐसे में अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून, तुम ये ना समझ लेना कि जो जालिम लोग कर रहे हैं अल्लाह उनसे गाफिल है या अल्लाह को पता नहीं है। और ये भी ना समझ लेना ला तहसबन्नल्लज़ीना कफरू मुअजिज़ीना फिल अर्ज़, और ये भी ना समझ लेना कि जो काफिर लोग हैं वो ज़मीन पे गालिब आ जाएंगे, अल्लाह को नऊज़ु बिल्लाह ज़मीन में मगलूब कर लेंगे। दरअसल ये जो सिचुएशन बनती जा रही है ये वही सिचुएशन बन रही है जो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाई थी। दरअसल ये पिक्चर वही बनती जा रही है जो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी पेशनगोई फरमाई थी। और वो मशहूर मकोला है उर्दू ज़ुबान का कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। दरअसल ये कौम जो दुनिया के ऊपर जुल्म करती जा रही है, जो अपने आप को चोज़न वन समझते हैं, ये अपने ख़ात्मे की आखिरी जगह पर जमा हो रहे हैं। और जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो अल्लाह ताला अपने ज़िम्मे ले लेता है कि उस जुल्म को कैसे ख़त्म किया जाए। और ये आयात जो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ला तहसबन्नल्लाहु गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून, ये हर जालिम के ऊपर अप्लाई होती है। पहले ये आयात उन जालिमों के ऊपर अप्लाई होंगी जिनको अल्लाह ताला ने गुमनामी से उठाकर, मगलूबियत से उठाकर, मजलूमियत से उठाकर दुनिया में इज़्ज़त और मुकाम बख्शा। अल्लाह ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उनको वहदत का पैगाम दिया और खिलाफत कायम करवा दी कि ये लो, तुम्हें एक टेलर मेड रेडी मेड निज़ाम दिया जा रहा है कि ये लो अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम तुम्हें कायम करके दिया जा रहा है। लेकिन उन्होंने अपनी ज़िद और अक्खड़पन की वजह से, अपनी नाफरमानी की वजह से नस्ल परस्ती को अहमियत दी और आखिरकार उन्होंने अपनी ही स्टेट के ख़िलाफ़ खुरूज करके उन कुफार से, बनी इसराइल से, यहूद से और नसारा से मदद मांगी कि आओ हमें यहाँ पर हमारी नेशन स्टेट कायम करके दो। हुसैन इब्ने अली जो मक्का का रईस था, उसने अपनी ही स्टेट के ख़िलाफ़ बगावत करवाई और तमाम अरब स्टेट्स ने, तमाम अरब के इलाकों ने उसका साथ दिया और ये फिर सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे का बायस बना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और ये जो अभी हमें मुल्क नज़र आ रहे हैं ये उसी का नतीजा है जो उन्होंने बगावत की। और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर किसी को नहीं पता तो वो ख़ुद सर्च कर ले हुसैन मकमोहन कोरेस्पोंडेंस। हुसैन मक्का का रईस था और मकमोहन सल्तनत बरतानिया का नुमाइंदा था। इन्होंने आपस में एक कोलेब्रेशन की, खुफिया खतूत लिखे और इनके दरमियान तय हुआ कि अरब बगावत करेंगे, सल्तनत बरतानिया उनका साथ देगी और फिर जब सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हो जाएगी तो फिर अरबों को उनकी एक नेशन स्टेट दे दी जाएगी जो कि वेस्ट की, नसारा की और बनी इसराइल का की एक साथी, एक पार्टनर स्टेट हो, और जो वेस्ट के मगरिब के मफादात का तहफ़ करेगी। उसके नतीजे में इन्होंने अपने ही लोगों को मारा, सल्तनत उस्मानिया के सिपाहियों को कत्ल करवाया और किया, और
मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन की यह सरजमीन जनरल एलन बे के थ्रू इन्होंने सल्तनत उस्मानिया से अलग करवाई, और ये अपने ज़ोम में ये समझ रहे थे कि ये बनी इसराइल, ये कुफार, ये यहूद नसारा हमारे साथी हैं, हमें ये अपनी नेशन स्टेट देंगे, अरबों को अपना मुल्क देंगे, लिहाजा हम यहाँ के हुक्मरान बन जाएंगे। और हुआ वही जो अल्लाह ताला फरमाता है कि यहूद नसारा तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते, हुआ वही जो इनके साथ होना चाहिए था। उन्होंने यहाँ पर बनी इसराइल को वो स्टेट बनाकर दे दी, एक डुअल गेम खेली, और इनको वो कहते हैं ना, दे गॉट द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, कि जो उन्होंने बोया था वही काटने लगे ये अरब लोग, और इनके ऊपर वही यहूद नसारा जो इनके साथी जो जिन्होंने इनको समझा, इनके ऊपर जुल्म व सितम करने लगे और बम बरसाने लगे, और ये सिलसिला वर्ल्ड वॉर टू से लेकर आज तक जारी है। इराक के ऊपर, शाम के ऊपर, लबनान के ऊपर, इन तमाम मिडिल ईस्ट की स्टेट के ऊपर डायरेक्ट जुल्म व सितम तो जारी है, लेकिन आगे आगे ये लबनान, उर्दन और बाकी मिस्र वाले और दूसरे ममालिक की तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं। तो वो जो अल्लाह ताला का वादा है कि ला तहसबनल्लाहु गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून, वो अल्लाह खूब देख रहा था कि ये अरब क्या कर रहे हैं, कैसे अपने दीन से निकल कर कुफर और नस्ल परस्ती की तरफ जा रहे हैं, कौम परस्ती की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ताला खूब देख रहा था, वो थोड़ी देर के लिए जो उन्हें ढील मिली वो आखिर अल्लाह ताला ने उनको कंट्रोल करना ही था। अब अल्लाह ताला एक मग़ज़ूबी अलैहिम कौम से, कर्स्ड वन से, सो कॉल्ड चोज़न वंस को मार पड़वा रहा है, जो ख़ुद को मुसलमान कहते हैं और मुसलमान होने का दावा करते हैं लेकिन दरअसल कौम परस्त हैं, इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनको वो कौम परस्त, वो रेसिस्ट बनी इसराइल उनको खूब मार रहे हैं। वो जुल्म जो, वो गफलत, वो जुल्म जो इन्होंने शुरू किया था, अब उसके उसका क्लाइमेक्स आ रहा है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आगे क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही व अहली बैतिही मजमाईन। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयों के मुताबिक ये फितना जो बनी इसराइल के ज़रिए फैल रहा है मशरिक़ वुस्ता में, यरूशलम की आबादी, मदीना की ख़राबी है। यानी कि ये बनी इसराइल में जो आकर आबाद हो गए हैं, ये अब फितना यहाँ से फैलता 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 फैलता, अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। ये ना सिर्फ अपनी लपेट में शाम को ले लेगा, इराक को ले लेगा, बहुत हद तक ले चुका है, बल्कि ये फैलता फैलता मक्का और मदीना तक आ जाएगा, और मक्का और मदीना की सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि जैसे रवायात में आता है कि ऐसी वीरानी होगी कि जैसे यहाँ पे कभी कोई आबाद भी था। और ये आले सऊद ने जो अपनी नेशन स्टेट कायम की हुई है, दीन के नाम पर दीन को बेच रहे हैं, बादशाहत कायम की हुई है जो ख़ुद एक बहुत बड़ा शिर्क है, उनकी बारी भी आहिस्ता आहिस्ता आनी है। अब आपके सामने वो स्टेटमेंट तो गुज़र ही चुकी होगी कि मोहम्मद बिन सलमान ने निजी महफिलों में कहा है कि मुझे इसराइली फ़लस्तीनियों की कोई परवाह नहीं है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने अवाम की वजह से उसके ऊपर एक स्टैंड शो करना चाहता हूँ ताकि मेरे अवाम मेरे मुखालिफ ना हो जाए, वरना ज़ाती तौर पर मुझे फ़लस्तीनियों की मस्जिद अक्सा की कोई परवाह नहीं है। और ये वही लोग हैं कि जिन्होंने दूसरों को मुशरिक मुशरिक कह कह के
कत्ल किया, अपने रास्ते के सारे मुखालिफों को ख़त्म किया, सल्तनत उस्मानिया की बगावत में सपोर्ट की, बेस्ट की, और आज ये ख़ुद को दीन का ठेकेदार बनाकर पेश करते हैं। लिहाजा इनकी बारी भी आखिर में आनी है, और इनके करतूतों की वजह से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पाक शहर, उसके अंदर भी फितना पहुंच जाएगा, और इनके करतूतों की वजह से, इनकी नाफरमानियों की वजह से मक्का मौजमा के अंदर भी फितना पहुंच जाएगा। उस शहर की भी बेहुरमती की जाएगी जिसकी हुरमत अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर क़यामत तक जिसकी हुरमत अल्लाह ने लिख दी है। इन्होंने इसकी बेहुरमती की 1900s में, अर्ली 1900s में, 1916-17 में इन्होंने इसी खाना काबा के अंदर, मस्जिद हराम के अंदर कत्लो गारत करवाई इन अरबों ने अपनी नेशन स्टेट कायम करवाने के लिए, और यही फितना फैलाए हुए हैं और यही इसको फैलाते जाएंगे यहां तक के मक्का के अंदर फिर नऊज़ु बिल्लाह कत्लो गारत करवाई जाएगी, और फिर जाकर वो पिक्चर मुकम्मल होती है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कत्लो गारत फितना मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर पहुंच चुका होगा, और युक्ततलु इंदा किंज़कुम सलास कुल्लुहुम इब्नु खलीफा सुम्मा ला यसीरु अला वाहिदिम मिन्हु, के फितना जो है वो मक्का मौजमा के अंदर पहुंच चुका होगा, वहाँ पर खाना जंगी हो रही होगी, कत्लो गारत हो रही होगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ फरमाया जो रावी को याद नहीं, मैं भी किसी टेक्नोलॉजी का नाम लिया हो, मैं भी किसी दौर का वक्त बताया हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुम्मा तत्लु रायातु सूद मिन क़िबल अल-मशरिक, फिर मशरक की जानिब से कोई स्टेट हो सकती है, कोई खिलाफत हो सकती है, कोई हुकूमत हो सकती है, जिनको अल्लाह ताला ने एक निज़ाम, एक खिलाफत, एक स्ट्रेंथ दे दी होगी, वो फिर यहाँ से निकलेंगे। सुम्मा तत्लु रायातु सूद मिन क़िबल अल-मशरिक फयुकातिलूनकुम लम यक्तुलहु क़ौम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, फल युकातिलूनकुम, के वो तुम्हें ऐसे कत्ल करेंगे, फयुकातिलूनकुम यानी अरबों को फरमा रहे हैं कि वो अरबों को ऐसे कत्ल करेंगे, यानी सहाबा की बात नहीं हो रही थी, नस्लों का बताया जा रहा था कि वो अरब जो नाफरमान हो चुके होंगे वो जब दौर आएगा, फयुकातिलूनकुम लम यक्तुलहु क़ौम, ऐसे तुम्हें कत्ल करेंगे कि इससे पहले किसी ने तुम्हें ऐसे कत्ल नहीं किया होगा। और फिर क्या फरमाया कि वो तुम्हारी नस्लें, वो अरब चाहे कहने को नस्लों से हों, उन अजीम हस्तियों की नस्लों से हों, लेकिन नाफरमान होने की वजह से क्या फरमाया कि अगर तुम उनको पालो, वलौ फबायउहु वलौ हबवन अलसल जी, कि तुम्हारा काम यह बनता है, हर ईमान वाले का काम यह बनता है, मेरे साहबा अगर तुम उस दौर में हुए तो अरबों का अपनी नस्लों का साथ ना देना, किसका साथ देना, फबा युहु वलो हबन अलसल जी, तुम्हारा काम यह बनता है कि वो जो मशरक से निकल के आ रहे होंगे काले झंडे, वो जो काले झंडों वाले अल्लाह के सिपाही, वो जो मशरक से आ रहे होंगे क्योंकि दीन वहां पहुंच चुका होगा, तुमने उनका साथ देना है, फ़इन्नहु खलीफतुल्लाह अल-महदी, इसलिए कि वो हदायत याफ्ता अल्लाह का खलीफा होगा, वो अरब में नहीं होगा, वो मशरिक में होगा, मशरिक की जानिब से आ रहा होगा, और वो उन अरबों को जिन्होंने पिछले 100 साल से फितना फैलाया हुआ है, जिन्होंने अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह के निज़ाम का नाम लेकर, अल्लाह के दीन का नाम लेकर अल्लाह के दीन को बेचना शुरू किया हुआ है, और अल्लाह के दीन के नाम पर अपनी दुनिया परस्ती फैलाई हुई है, अल्लाह के काबे को यरगमाल बनाया हुआ है, 100 साल से ज़्यादा हो गया, मस्जिद नबवी को
पैसे कमाने का जरिया बनाया हुआ है। युग ततलु इंदा किंजकुम सलास, ये जो इन्होंने ख़जाने बनाए हुए हैं, किंजकुम ख़जाने बनाए हुए हैं, इनके ऊपर ये लड़ेंगे। इनके खात्मे के लिए अल्लाह मशरिक की जानिब से इमाम महदी को भेजेगा और वो इन जालिमों को ऐसे कत्ल करेंगे। कहने का मकसद क्या है कि अभी बनी इसराइल कर रहे हैं कत्ल, अभी उन फ़लस्तीनियों की नस्लों की, उन फ़लस्तीनियों की बारी आई हुई है जो ख़ुद को अरब कहते हैं मुसलमान कहने के बजाय, जो अपनी टू स्टेट नेशन स्टेट चाहते हैं, जो अपनी फ़लस्तीनी हुकूमत चाहते हैं, ना कि अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम, ना कि अल्लाह की हुकूमत चाहते हैं, अभी उनकी बारी आई हुई है। ये फैलते फैलते फितना सऊदी अरब को भी अपनी लपेट में ले लेगा, उससे आगे भी शायद निकल जाए। उस वक्त में इस फितने की आखिरकार सरकूबी के लिए मशरिक से इमामुल महदी अपनी फौजें लेकर जाएंगे और वो जो कत्ल इनको पहले से किया जा रहा है उसके ऊपर मज़ीद कत्लो गारत होगी इनकी नाफरमानी और हठधर्मी की वजह से। वो अपना हक मांगेंगे, रवायात में आता है, लेकिन वो अरब उन्हें हक नहीं देंगे, लिहाजा वो काले झंडों वाले वो ज़बरदस्ती तलवार के ज़ोर पर अपना हक लेंगे, यानी कि अल्लाह के खलीफा इमामुल महदी को उनकी हुकूमत दिलवाएंगे बज़ोर बाजू, बज़ोर सैफ, ताकत के बल पर, तलवार के बल पर। फिर वो ज़बरदस्ती उनसे हुकूमत ली जाएगी और फिर अल्लाह की ज़मीन पर वो अल्लाह का निज़ाम तब कायम होगा। और इसमें कितने सौ साल बाकी हैं, 500 साल, 400 साल, 300 साल, नहीं 1400, अभी 45 हो गया या 46 हो गया, 1445 में हम दाखिल हो गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक्सप्लेंड मोहलत में सिर्फ 55 साल बाकी हैं। तो उसी के अंदर अंदर ये सब कुछ होना है और इसके बाद इमाम महदी की हुकूमत भी कायम होनी है जो 7 साल तक रहेगी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत भी कायम होनी है जो 7 साल तक रहेगी। फिर इसके दरमियान जंगों का वक्त भी है, हुकूमत के कायम होने का वक्त भी है और वो जो खिलाफत मशरिक में कायम होनी है उसका वक्त भी है। लिहाजा ये सारा कुछ होने में 8-10 साल से ज़्यादा नहीं रह गए और ये सिलसिला अब आप देख लें इसराइल की तरफ से शुरू हो गया है कि ये जंग उन्होंने फैलाना शुरू कर दिया। और थोड़ी सी बात इसके ऊपर हो जाए कि लबनानियों को ये लग रहा है, हिजबुल्ला वालों को ये लग रहा था कि 2006 में हमने शिकस्त दी थी इसराइलियों को और हमने निकाल दिया था अपने इलाकों से, और जो 1980s से वो बैठे हुए थे हमारे इलाकों में, फाइनली हमने उनको भी उस वक्त में भी इनको यहाँ से निकाल दिया था। इनको ये लग रहा है, ये अपने घुमंड में ओवर कॉन्फिडेंस में है कि हम इनको हरा देंगे। ईरान को ये लग रहा है कि अब अगर हम हर तरफ से प्रेशर डालेंगे तो ये कंटेन हो जाएगा, लेकिन ये सब ये भूले हुए हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और पेशनगोइयों के मुताबिक अब ऐसा नहीं होना। चंद दिन के लिए, चंद हफ्तों, चंद महीनों के लिए शायद कोई कंटेन हो भी जाए ये, लेकिन आप देख लें पिछले साल अक्टूबर से लेकर इस साल अक्टूबर तक अभी तक गज़ा में रोज़ाना हज़ारों के हिसाब से इन्होंने नस्ल कुशी की है फ़लस्तीनियों की, उनको पूरा ख़त्म करना चाहते हैं। तो अब ये इनको अगर ये जो लग रहा है कि ये जंग कंटेन हो जाएगी, अब ऐसा नहीं है, ये जंग कंटेन नहीं होगी बल्कि ये फैलती चली जाएगी और इसके अंदर मज़ीद वो जो अलाइड फोर्सेस थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वो अलाइड फोर्सेस इन्वॉल्व होना शुरू हो गई हैं, ये नहीं कि हो जाएंगी, इन्वॉल्व होना शुरू हो गई हैं। बाकायदा वेपन्स सबसे ज़्यादा अमेरिका पहुँचा रहा है इसराइल को, दूसरे नंबर पर जर्मनी पहुँचा रहा है, और जर्मनी नेटो की एक कंट्री है और नेटो का मतलब ये है कि यूरोप। तो वो जो एलाइड फोर्सेस थी दरअसल वो इन्वॉल्व हो चुकी हैं, और ये जो एलाइड फोर्सेस हैं ये पहले भी ऐसा था, एक तरफ एलाइड फोर्सेस थी, दूसरी तरफ रशियन जो यूएसएसआर थी उनकी कोलेशन थी, और ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ी थी और वर्ल्ड वॉर टू हो गई थी। अब एग्जैक्टली वही सिचुएशन बन गई है, एक तरफ अमरीका है, इसराइल है, नेटो यूरोप की कंट्रीज़ हैं,
और दूसरी तरफ कौन सा ब्लॉक बन रहा है? रशिया, ईरान, लबनान, यमन और यह दूसरी कंट्रीज़ जो रशिया के ब्लॉक में है, एग्जैक्टली वही पोजीशंस बन रही हैं मोर और लेस, और वही स्टेट्स इन्वॉल्व हो रही हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुई थी। और ये बकायदा यूक्रेन में, यूक्रेन को सपोर्ट मिल रही है नेटो की, वेस्ट की, अमेरिका की, इसराइल में सपोर्ट मिल रही है इसराइल को नेटो की और वेस्ट की और अमेरिका की। और दूसरी साइड पे चाहे यूक्रेन हो, चाहे इसराइल या फलस्तीन हो, दूसरी साइड पे वही फोर्स खड़ी हुई है, रशिया और उसके एलाइज। यूक्रेन में भी जो जंग हो रही है वो रशिया के ख़िलाफ़ हो रही है, रशिया यूक्रेन से लड़ रहा है। और इसराइल में भी यही सिचुएशन है कि अभी व्लादिमीर पुतिन पहली दफ़ा ईरान गया है अपनी सारी हिस्ट्री में, जब से वो प्रेसिडेंट बना है इतने साल हो गए हैं वो रशिया का प्रेसिडेंट है। बाकी सारी जो अपोजिशन थी उसको उसने सप्रेस किया हुआ है, उनको सामने ही नहीं आने दे रहा। वो पहली दफ़ा गया है क्योंकि ये फोर्सेस, एलाइड फोर्सेस और रशियन कोलिशन ये आपस में फिर एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आने लग गई हैं। तो वो जो एक वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन थी वो अब फोर्सेस बिल्कुल आमने सामने हैं, किसी भी वक्त ये जंग जो है वो आग पकड़ सकती है और ये सिचुएशन अभी बनना शुरू हो गई है। अब इन सब को ये नहीं पता, अपने अपने जोम में है ईरान और उसके अलाइज, उनको ये लग रहा है कि हमें पहले सक्सेसेस हासिल हुई हैं तो लिहाजा हम फिर इनको हरा देंगे। छोटी छोटी सक्सेसेस को वो इतनी बड़ी समझ रहे हैं। और जो अलाइड फोर्सेस उस वक्त थी और आज अमेरिकन कोलिशन है, उनको ये लग रहा है कि हम फिर कामयाब हो जाएंगे क्योंकि हमने जर्मनी जैसे इतने बड़े फितने की सरकोबी की, हमने यूएसएसआर को तोड़ दिया, हमें इतनी बड़ी बड़ी कामयाबियां पहले हासिल हुई हैं, पूरी दुनिया पे हमारी हुकूमत है, हमारे लिए क्या मसला है, हम ईरान को भी ख़त्म कर देंगे, हम रशिया को मज़ीद हरा देंगे, इससे भी ज़्यादा सक्सेस हासिल कर लेंगे और मिडल ईस्ट के ऊपर डायरेक्ट कब्ज़ा कर लेंगे, जैसे पहले हमने सल्तनत उस्मानिया को तोड़ा, जापान को ख़त्म किया, अपने अंडर ले लिया, जर्मनी को ख़त्म किया। लेकिन हर दफ़ा वो नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह ताला ओवर कॉन्फिडेंस की मार भी देता है और गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। अब दरअसल ओवर कॉन्फिडेंस की मार अल्लाह ताला इनको दे रहा है। अब इस सब में से निकलना ये है कि एक ऐसी फोर्स सामने आनी है जो अक्सर कन्फ्लिक्ट्स में सामने आ जाती है, हिस्ट्री इस बात की गवाह है, जब भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ऐसी सिचुएशन होती है, कोई ऐसी फोर्स सामने आ जाती है जिसको लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते। रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर एक दूसरे के ख़िलाफ़ हर वक्त लड़ते रहते थे और उनको लगता था हम ही सुपर पावर हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह ताला ने एक छोटे से कबीले से, एक जिसको शहर भी नहीं कहा जा सकता, उसके दौर का कस्बा था मक्का, और उसका उसके साथ अल्लाह ताला ने मदीना को शामिल फरमा दिया, कुछ अरब्स को मिला दिया, इतनी बड़ी फोर्स अल्लाह ताला ने निकाल दी कि पर्शियन एम्पायर को ख़त्म करके रख दिया, रोमन एम्पायर टूट के रह गई। और 1500 साल होने को हैं उस इम्पैक्ट को ये ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ख़त्म नहीं हो सका। एक तरफ से कुछ उनको सक्सेस मिलती है तो उधर से सलजूक आ जाते हैं, फिर उन्हें कोई सक्सेस मिलती है तो अयूबी यरूशलम फतह कर लेते हैं, फिर उन्हें कोई सक्सेस मिलती है तो सल्तनत उस्मानिया यूरोप और ईस्ट के अक्सर इलाकों में फैल जाती है, फिर उन्हें कोई सक्सेस मिलती है कि ये जो इन्होंने बना लिया था ब्रिटिश एम्पायर, फिर उन्हें कोई सक्सेस मिलती है तो फिर अल्लाह ताला कोई और बंदोबस्त फरमा देता है। और अब उनको ये लग रहा है कि क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर से लेकर आज तक वेस्ट की मोनोपोली, वेस्ट की दुनिया के ऊपर हुकूमत, वो कम नहीं हो सकी, ख़त्म नहीं हो सकी, और इस सिचुएशन को 200-300 साल हो गए हैं, अब उन्हें ये लग रहा है कि हम एक दफ़ा पूरी दुनिया में सिकंदर आज़म की तरह, अलेक्जेंडर द ग्रेट की तरह कोई पावर बना लेंगे। और इसराइल को ये लग रहा है कि वो शायद किंग सुलेमान, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह दुनिया पे हुकूमत कायम कर लेंगे। लेकिन अब वो वक्त आ गया है, अब ऐसी सिचुएशन में एक ऐसी फोर्स सामने आने का वक्त आ गया है कि जो इन सब को कंटेन करे, अमेरिका को उसके जुल्म का मज़ा चखाया जाए जो उसने पूरी नस्ल कुशी ऑस्ट्रेलिया में की, ऑस्ट्रेलिया में जो नेटिव्स थे वो ब्लैक
टाइप के लोग थे, स्याह फाम किस्म के लोग थे, जिनके आपको कोई नस्ल ही नज़र नहीं आती। पूरे ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने ख़त्म करके रख दिया। अमेरिका में और कनाडा में मिलियंस ऑफ रेड इंडियंस थे, जो वहाँ के नेटिव्स थे, उनको ख़त्म करके रख दिया और अब आपको वहाँ पर सिर्फ गोरे नज़र आएंगे या फिर कुछ काले या दूसरे चंद लोग जो इमिग्रेंट्स हैं दूसरी जगह से। उन्होंने ख़त्म करके रख दिया, ऐसी नस्ल कुशी की कि वहाँ पर लगता ही नहीं है कि यहाँ पर कभी कोई और कौम आबाद थी। यही जुल्म उन्होंने अफ्रीका में किए, यही जुल्म उन्होंने दुनिया के बाकी हिस्सों में किए। उनको इनके इन ला तहसबन अल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून, अब वक्त आ गया है कि अल्लाह ताला उनको बताए कि जो तुम जुल्म करते रहे हो ये हमेशा नहीं चल सकते, और जो जुल्म अरबों ने किए अल्लाह के ख़िलाफ़, जो नाफरमानियाँ की, बगावत की, उसका भी वक्त आ गया है कि उन्हें उसका मज़ा चखाया जाए। और जो दीन को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ये दूसरी स्टेट जो रशियन कॉलेशन में शामिल होकर ख़ुद को इस्लाम का दावेदार बनाकर पेश कर रहे हैं कि वला तश्तरूबी आयात ईसामन कलीला, इन्होंने अपना ही कोई दीन बनाया हुआ है और उसको अल्लाह का दीन बनाकर पेश कर रहे हैं। एक ख़ास फ़िरके को ये पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये शायद यही अल्लाह का दीन है। उनको भी उनके करतूतों की सज़ा मिलने का वक्त आ गया है। अब मशरिक से उस फोर्स के निकलने का वक्त आ गया है जिसको कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, जिसमें उसके अपने उसको डाउट कर रहे हैं, उसके अपने शक में हैं कि ये स्टेट पता नहीं चलेगी भी या नहीं, बचेगी भी या नहीं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि अल्लाह ताला मशरिक से उस स्टेट को मजबूत करे और उस स्टेट को यहाँ से मशरिक की जानिब से तकवीत बख्शे और इमामुल महदी की क़्यादत में वो यहाँ से निकलेंगे। और फिर वो वक्त हम और आप सब इंशाल्लाह, जो जो बाकी हुआ, जो जो शहादत की सआदत से महरूम रहा उस वक्त तक, वो ये देखेंगे कि हर कच्चे और पक्के ज़मीन के हर कच्चे और पक्के मकान के अंदर अल्लाह का दीन दाखिल हो जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना मुहम्मद व अला आली मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद।